उत्तराखंड की अजब संयोग वाली गजब की सीट। जी हां, उत्तराखंड की एक ऐसी विधानसभा सीट जिसकी पहचान प्रदेश के कद्दावर नेता के साथ तो जुड़ी ही है, लेकिन इसकी एक अलग पहचान है और वो है उत्तराखंड के पूरे विधानसभा चुनाव पर भी असर डालने का अजब संयोग। जी हाँ, सही सुना आपने, एक सीट से पूरे राज्य के चुनावी नतीजे का क्या तालमेल है, ये अजब संयोग हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में समझाएंगे। पहले हम आपको ये बताते हैं कि उत्तराखंड की ये कौन सी सीट है। ये सीट है रामनगर विधानसभा। उत्तराखंड की पहली निर्वाचित कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त तिवारी ने उपचुनाव में रामनगर सीट से ही चुनाव जीता था, जो कि 5 साल यानी कि 2002 से 2007 तक एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे। दरअसल रामनगर विधानसभा सीट के साथ एक अजब संयोग जुड़ा है, वो ये कि जो भी पार्टी सीट पर विजय पताका फहराने में कामयाब होती है प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। 2002 में कांग्रेस के योगेंबर सिंह रावत विधायक बने तो कांग्रेस की सरकार बनी, वहीं 2007 में बीजेपी के दीवान सिंह बिष्ट चुनाव जीते और सरकार बीजेपी की बनी। 2012 में रामनगर से कांग्रेस के टिकट पर अमृता रावत चुनाव जीती और सरकार कांग्रेस की बनी। 2017 में एक बार फिर से दीवान सिंह बिष्ट चुनाव जीते और सरकार बीजेपी की बन गई। रामनगर विधानसभा सीट कॉर्बेट नेशनल पार्क होने की वजह से पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ अधिकांश लोगों का व्यवसाय पर्यटन से जुड़ा हुआ है। इस सीट पर पर्वतीय और मैदानी मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। रामनगर विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 121,348, जिसमें महिला मतदाता 58,794 और पुरुष मतदाता 62,553 है। युवा मतदाताओं की कुल संख्या 28,918 है। रामनगर सीट पर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडल के लोग रहते हैं। इस बार का मुकाबला बीजेपी के दीवान सिंह बिष्ट और कांग्रेस के महेंद्र पाल सिंह के बीच होने जा रहा है। देखना होगा कि इस बार रामनगर की जनता किसे अपना विधायक चुनती है और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि रामनगर के साथ जुड़ा अजब संयोग इस बार भी अपना करिश्मा बरकरार रखता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।